बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे परिवार तो विश्वास ही नहीं करते, हमारे दोस्त विश्वास नहीं करते। हम बोले कैसे विश्वास करेंगे, आज के 50 साल पहले गजेंद्र भाई कोई कहता आपको इस तरह का टेक्नोलॉजी आएगा तो कोई विश्वास करता क्या? आप मोबाइल में टेलीफोन लेके, मोबाइल फोन पॉकेट में, तो आपको 10 आदमी मिलके बहुत पीटता 50 साल पहले कि फोन जी पॉकेट सर, में लेके कैसे घूमोगे भाई, वो तार कहाँ लगाओगे। तो उस समय भी विरोध किए थे लोग, जब कंप्यूटर पहली बार इंडिया में आया उसमें भी लोग विरोध किए, जब रेल आया ट्रेन पहली बार मुंबई से दादर चला या कहाँ चला था, उस समय भी लोग विरोध किए थे। हर समय टेक्नोलॉजी का विरोध हुआ है, लेकिन क्या वो रुक गया? नहीं नहीं, सर, ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया, नोट करके रख लीजिए, ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया, ये हमारे साथ चल सकता है, हमारे बगैर भी चल सकता है, हमारी क्षमता नहीं है इसको रोकने के लिए। दुनिया का कोई भी शक्ति ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया को रोक नहीं सकता, इसलिए मिस्टर एस कहते हैं कि इसको भगवान के अलावा कोई रोक नहीं सकता, इस धरती पर किसी की शक्ति नहीं है। तो अगर ट्रेन टेक्नोलॉजी आइडिया को आप रोक नहीं सकते हैं तो आप इसके साथ चलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? आप विरोध करके कौन सा खंभा उखाड़ लोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आज तो बैलगाड़ी है गांव में, चलिए बैलगाड़ी से, कौन आपको मना कर रहा है? कौन बोला है कि आप जेट प्लेन से चलिए? आप टेक्नोलॉजी मत यूज करिए, आप अंतरदेशी पोस्ट कार्ड लिखिए, आप व्हाट्सएप मत यूज करिए, टेक्नोलॉजी कौन बोला है यूज करने के लिए? तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जो ऑन पैसिव में मैं बार बार उसके वैल्यू की बात करता हूं कि कैसे हम सबका लाइफ चेंज हो सकता है। और इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो प्रोजेक्ट बनने में समय तो लगता है। मैंने एलन मास्क के बारे में भी बताया था कि एलन मास्क जो उन्होंने टेस्ला बनाया था तो 10 साल लग गए थे उस कंपनी को बनने में, 13वें साल वो स्टार्ट हुआ, और जब स्टार्ट हुआ तो उसका जो इनकम था वो शून्य था, जीरो था। क्या वो छोड़ के भाग गया? उसके कर्मचारी, सोचिए टेस्ला के जो मालिक है एलन मास्क, उसके जो इम्प्लॉय है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग तो फाउंडर है, टेस्ला कंपनी का जो इम्प्लॉय है वो बोलता था ये आदमी पागल है, ये पैसा फेंक रहा है पानी में। सोचिए उसका इम्प्लॉय बोलता था ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं आ सकता, ये पागल है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और 13वें साल उसका इनकम शून्य था, और 14वें साल वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनको पता है जिसको, जिन्होंने वो क्रिएट किया है, तो मिस्टर एस को पता है कि वो क्या बना रहे हैं, वो क्या दुनिया को देने जा रहे हैं। जब टेस्ला के जो इम्प्लॉय है इस तरह की बात कर सकते हैं तो हम लोग तो फाउंडर हैं, हम लोग तो पैसा लगाए हैं, कुछ ना कुछ हम लोग लगाए हैं, लेकिन टेस्ला के जो इम्प्लॉय थे वो तो तनख्वाह ले रहे थे ना, वो तो कुछ लगाए नहीं थे, उनको समय पे कंपनी चले या ना चले लेकिन उनको तनख्वाह मिल रहा था, लेकिन वो भी इस तरह की बातें बोल रहे थे। तो जितना भी चीजें हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया, यही तीन चीज ने पूरे दुनिया को बदला है, और हम भी बदलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तीनों चीज है इसमें, तीनों है, ट्रेन भी, टेक्नोलॉजी भी और आइडिया, तीनों हम लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो दुनिया को ग्रैब करना मजबूरी हो जाएगा, हर एक को यहाँ पर मजबूरी हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर और 6 महीना लगेगा इसको स्टार्ट होने में, ऐसा नहीं है, सारी चीजें हो चुकी है, कभी भी हमारा OES स्टार्ट हो सकता है। अब हमको ये नहीं पता कि 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, ये नहीं मालूम। फिर आप लोग वही सवाल करेंगे, जब मालूम नहीं है तो क्यों भाषण दे रहे हो भैया, वो तो बताना पड़ता है। जब मालूम नहीं, आपको मालूम है क्या कि आप कब मरोगे, किसी को पता है? सुमन सिस्टर मालूम है कब मरेंगे हम लोग? नो सर, लेकिन जी शाम रहे तक का ना, भरोसा नहीं है। एक पल अभी हम बोल रहे हैं, दूसरा सांस हम ले सकते हैं कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, पता हम जी रहे हैं, नहीं हम खुश।
रहे हैं, तो यहां भी कम से कम कमोबेश वही से स्थिति है दोस्तों। अनपेसिंग में किसी को नहीं मालूम कब क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का जो ये तरीका है जीवन जीने का, हम लोग जी रहे हैं। परमात्मा कब हमारे साथ क्या खेल करेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मिस्टर एस को मालूम है कि कब उनको क्या करना है। वो सारे स्ट्रेटजी बने हुए, प्लान बने हुए, कब कब क्या करना है, सिर्फ डेट पता नहीं हम लोग को। इसलिए डेट नहीं बता रहे हैं अब कि हमारे बीच के लोगों ने उस डेट को फेल करने का पूरा प्रयास किया, कभी केस कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इसलिए बोला उन्होंने कि अब हम किचन में क्या बना रहे हैं वो किसी को नहीं बताएंगे, आपको अचानक दिखने वाला है। अचानक आपको $97 दिखा, अचानक आपको $101 दिखा, सबके बजट में है। अचानक आपको $10 जो वेलकम बोनस है वो दिखा, अचानक आपको वो कनेक्ट दिखा, अचानक सब कुछ दिखने वाला है दोस्तों। आप देखिएगा, आप सोए रहिएगा, सुबह उठिएगा तब तक यहाँ पर दृश्य बदल चुका होगा। हाँ आप शायद आप उस समय रोने लगेंगे, रोने के लिए आंसू भी नहीं, आपको लगेगा कि मैं खुशी में रोऊं या मैं गम में नाचू, ऐसा मोमेंट आने वाला है। इसलिए आप लोग बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, और यहाँ पर हम सभी की लाइफ चेंज होने वाली है। क्या फर्क पड़ता है कि 6 महीने बाद आपको आर्थिक आजादी मिल जाए, आपको समय की आजादी मिल जाए। अगर 6 महीने बाद इस कंपनी के बिना अगर अपने आप को देखें, क्या उन सब उपाय है आपके पास में जो आपको समय और धन की आजादी दिला सकता है। मुझे नहीं लगता है कि संसार में ऐसा कोई प्रोग्राम है, लेकिन कम से कम हमारे पास है तो ऑन पैसिव तो है, कौन हमारे पास से ऑन कौन पैसिव तो है जिसके माध्यम से हम बोलो अपने आप को आपके आज इसके साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ऑन पैसिव है। आज नहीं तो कल हमारी आजादी निश्चित है। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ऑन पैसिव को आना अटल सत्य है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड रहिए दोस्तों, कभी भी हम सबके भाग्य उदय हो सकते हैं, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतना विश्वास रखिए। इसलिए कि मिस्टर एस ने इतना रुपया जब खर्च करके सारी चीजें बनाई है, तो उनको भी मालूम है कि जब सारा चीज बंद है तो उसे चालू नहीं करेंगे। तो आप एक मारवाड़ी की तरह सोचिए, जो लोग मारवाड़ी हमें सुन रहे हैं, तो मारवाड़ी की तरह सोचिए और सुनिए, समझिए। एक मारवाड़ी जब पूंजी लगाता है तो 2 साल 5 साल तक उसके इनकम की सोच नहीं करता है, उससे जमाता है, मजबूत बनाता है, लेकिन जब वो आने लगता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगता है। यहाँ पर मिस्टर एस ने अपना इतना धन लगाया है तो वो बंद करने के लिए नहीं लगाया है। इतने सारे ऑफिसेस, इतने सारे स्टाफ, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऐसे फेंकने के लिए नहीं, पागल इंसान नहीं है वो, निश्चित तौर पर वो सारी चीजें देने चाहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा देर, अगर हमारा ओएस बंद रहेगा तो सारा कार्यक्रम बंद हो जाएगा, तो कंपनी का तो 1 रुपया का इनकम कहीं से नहीं होगा। इसलिए ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, मेरा विचार है, मैं जो मानता हूँ, ये अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आज का आपको ये कैसा लगा, आज का सेशन, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप बीच में सलाह भी दे सकते हैं मुझे, आप गाली भी देते हैं उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि आप परिवार हैं, आप हमें गाली भी दे सकते हैं, आप ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन आपके पास में अगर कोई और भी बढ़िया सजेशन है तो उसे भी दीजिए, क्योंकि आप ही से मैं सीखता हूँ। तो आपका कमेंट बिल्कुल मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिलता है, और वही निरंतर मुझे ताकत देता है कि आपके सेवा में निरंतर निरंतर मैं लगा रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखिए कि रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ये समाचार न्यूज मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वी आर सो इन टू विन।